हेलो दोस्तों, तो कटहल की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी, पर आप एक बार ऐसे बनाकर देखो तो बार बार खाते ही रह जाओगे। तो सबसे पहले हमने कटहल के बीज लिए। ज़्यादातर लोग ना कटहल के बीजों को बॉईल करके ही सब्जी बनाते हैं, पर मैंने इसे अलग तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने कटहल के बीजों को छील लिया है। इसे ना छीलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो इसे ना आप रात में ही इसके छिलके निकाल सकते हो और सुबह जैसे आपको बनाना हो वैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने कटहल के बीजों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये नहीं तो पिन पिने हो जाएंगे। तो हमें 5 मिनट के लिए ही पकाना है इसे। तो ये पक चुके हैं, तो इसका भी कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। उसके बाद उसी तेल में हमने जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, और प्याज को ना अच्छे से ब्राउन होने तक हमें पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छे से पकने देना है। उसके बाद हमने जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है, उसे भी पकने देना है। उसके बाद यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया है, उसे भी पकने देना है। नमक भी डाल दिया है, जिससे टमाटर जल्दी से पक जाते हैं नमक से। तो हमने यहाँ पर 2 मिनट के लिए पकने दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देते हैं। मिर्ची पाउडर और ना हल्दी को हमें कम आँच पर ही पकने देना है, ताकि जल ना पाए। उसके बाद हरा धनिया डाल देते हैं, और हमने 2 पोटैटो लिए थे, तो उसको अच्छे से बारीक कट कर दिया, और उसे भी अच्छे से पकने देना है, ताकि जो हमारे कटहल है वो ज़्यादा हमें पकाना ना पड़े। तो आलू जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए हमने आलू को पहले पकाया। उसके बाद हम कटहल के बीजों को डाल देंगे। यहाँ पर जो पोटैटो है वो पक चुके हैं, तो उसके बाद हमें यहाँ कटहल के बीजों को डाल देना है। उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो करीबन हमारी सब्जी पक चुकी है, क्योंकि हमने पहले ही कटहल के बीजों को अच्छे से फ्राई कर लिया था, और आलू तो पक चुके हैं, तो हमें इसे 5 मिनट के लिए पकने देना है। कटहल की सब्जी आप ऐसे बनाओगे तो भी पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि हमारी तरी अच्छे से बन जाए, और तरी वाली सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे ट्राई करें। बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और देखिए यहाँ पर इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। तो हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, तो हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसे सर्व करने के लिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन तक पहुँच जाए हमारी रेसिपी।